और देश में अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह देशभक्ति रैलियों की धूम मची हुई है। स्कूली बच्चों के साथ ही सामाजिक संगठन भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी आज जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोक भवन से गांधी प्रतिमा तक मौन जुलूस भी निकाला जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। विभीषिका दिवस पर प्रदर्शनी का भी आयोजन है। आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो मूर्ति बनी है, इसके ठीक नीचे से आज शाम को शुरू होगा विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस। लोक भवन सामने है, लोक भवन से ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया जाएगा। मौन पदयात्रा की जाएगी और जो कि जीपीओ पर आकर समाप्त होगी। ये कार्यक्रम शाम को 5 बजे शुरू होगा और 6:30 बजे समाप्त हो जाएगा। और इसकी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये कि जो आजादी की विभीषिका रही है और जो उसका कष्ट था, उसका दर्द था, उसका मर्म था, उसको एक बार फिर से लोगों को याद दिलाना कि देश को आजादी पाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा है। जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। अमृत महोत्सव को तरह तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से आजादी के लिए देश ने संघर्ष किया और कैसे कहाँ पे हम लोगों ने सफलता हासिल की। ये है सरदार पटेल जी की मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को सजाया गया है। पूरी तौर से यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है और उनके चारों तरफ से लिखा हुआ है कि विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिवस और मौन पद यात्रा। इसके साथ ही साथ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाने के लिए, देखिए ये प्रदर्शनी जो है किस तरीके से आयोजित की जा रही है। यहाँ पर देश की आज़ादी के लिए किस तरीके से लोगों ने संघर्ष किया, पूरी तौर से यहाँ पर पुरानी फोटो कटिंग्स के साथ, उन आदेशों के साथ इसे दिखाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि ये जब आज़ादी का आदेश हुआ तब ये कौन सा कैसा आदेश हुआ, ये किस तरीके से हुआ। मैं कहूँगा इस चीज़ को पूरी तौर से ये आदेश है और इसमें लिखा हुआ साफ तौर पे कि 1947 में हुई हिंसा की घटनाओं और बंटवारे की घोषणा के चलते लाखों लोग रातों रात घरों से पलायन को मजबूर हो गए। ये पूरा डिटेल है इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। बड़े जो पुराने समय की मैगजीन से, पुराने अखबार थे, ट्रिब्यून है, संडे है, और इसी तरह के अलावा तमाम अखबार जो उस जमाने में इन खबरों को प्रकाशित कर रहे थे, उसका पूरा ब्यूरा कटिंग के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत अच्छी तरीके से फोटोज हैं किस तरीके से लोग पलायन कर रहे थे। रेलवे लाइन के किनारे अपने सर पर महिलाएं बच्चों को गोदी में लेकर के और बक्से छत पर चल रहे थे, किस तरीके गाड़ियों में लोग बाग भूसे भर भर के देश छोड़ के जा रहे थे या यहाँ पर वापस आने की कोशिश कर रहे थे। आपको दिखाई देगा पूरी तौर से किस तरीके से दृश्य था। बहुत ही इस पूरे दृश्य को फिर से आज़ादी की जो विभीषिका थी, जो दर्द था, जो मम था, उसको दिखाने की कोशिश की गई। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ।